बेसिक टॉपिक जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है कि जब आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स हो जाते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसको हम DMC बोलते हैं, है ना, जिसके अंदर आप लोगों के मार्क्स होते हैं, आप लोगों की पूरी परफॉर्मेंस होती है कि आपने इतने मार्क्स इतनी परसेंटेज आप लोगों की आई। तो उसमें मार्क्स जो है वो क्या चीज़ नोटिस करके आपके मार्क्स लगाए जाते हैं, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ध्यान रखनी होती है कि DMC में यही चीज़ें होती हैं, तो इसके ऊपर एक वीडियो रहने वाली है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और काफ़ी सारी चीज़ें आप इसके अंदर सीखेंगे, ठीक है। अब जैसे देखो आपकी जो DMC होती है, डजंट मैटर यू आर इन 10th क्लास और यू आर इन 12th क्लास, आपको दोनों में ये बोर्ड में DMC मिलती है, और ये भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से बोर्ड से कनेक्टेड हैं, आप CBSE से हों तब भी आपको DMC मिलती है, आप HBSE से हों तब भी मिलती है, इसके अलावा मैं आप RBSE से हों तब भी आपको DMC मिलती है, और PBSE से हैं तब भी आपको DMC मिलती है, कोई भी आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं आपको DMC जो है वो ज़रूर मिलती ही है। तो अब मैं DMC में जो मार्क्स होते हैं ना वो किस तरीके से लगाए जाते हैं, जैसे कि अगर हम लोग 10th क्लास में हैं तो हमारे मार्क्स किस तरीके से लगेंगे, अगर हम 12th क्लास में तो हमारे मार्क्स किस तरीके से लगेंगे, तो यहाँ पर मैं बच्चों को जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर देती हूँ। जैसे बच्चे जो हैं वो पूछते हैं कि मैम एडिशनल के जो मार्क्स होते हैं वो जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते, और अगर जुड़ते हैं किस तरीके से जुड़ते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को देखो सबसे पहले मैं ये चीज़ खत्म करती हूँ कि एक आपके पास में 5 जो है वो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, 5 आपके पास मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं। अब मैम मेजर सब्जेक्ट्स किसे बोला जाता है, मेजर सब्जेक्ट्स बोला जाता है जो आपके जो आप सब्जेक्ट्स बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जो स्टार्टिंग से आप लोगों के पास रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और SSC, ठीक है, ये सब्जेक्ट्स आपको जो है वो देखने के लिए मिलते हैं कहाँ पर, आपको 10th क्लास से सब्जेक्ट देखने के लिए मिलते हैं, बाकी हिंदी इंग्लिश जो है वो आपको 11th 12th में भी देखने के लिए मिलता है, बिकॉज दिस इज कोर सब्जेक्ट, ओके। अब यहाँ पर आपके जो ये मार्क्स हैं ना, मतलब कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनके मार्क्स जो है वो आपके पास होते ही हैं, ये कितने सब्जेक्ट्स हो गए आपके पास, मतलब DMC में 1, 2, 3, 4, 5, एक सब्जेक्ट जो है जिसको हम एडिशनल बोलते हैं, और बच्चे बहुत ज़्यादा घबराते हैं कि मैम व्हाट इज एडिशनल सब्जेक्ट और इसका क्या फ़ायदा है, इसका क्या नुकसान है, ये कैसे लिया जाता है, ये कहाँ पर होता है, तो 6 सब्जेक्ट जो है वो आपका एडिशनल सब्जेक्ट होता है, जिसके अंदर आपके पास संस्कृत भी हो सकती है, जिसके में आपके पास पंजाबी भी हो सकती है, आपके पास ड्राइंग भी हो सकती है, आपके पास फिजिकल भी हो सकता है, मतलब कोई भी सब्जेक्ट आपके पास हो सकता है बट वो एडिशनल होगा। 5 सब्जेक्ट जो आपके ये वाले हैं इनको हटा के जो भी आपके पास एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, दिस इज कॉल्ड एडिशनल सब्जेक्ट, ओके, आई होप यू विल गेट माय पॉइंट। और फिर उसके बाद में 5 सब्जेक्ट जो है वो आपके मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं और ये एक एडिशनल सब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पर बोर्ड ने एक चीज़ जो है वो बहुत अच्छी डिसाइड कर रखी है, विच इज कि आपके जो ये मार्क्स होते हैं ना बच्चे, जो ये 5 सब्जेक्ट्स में आप जितने मार्क्स लेते हैं बोर्ड में, तो उसमें से जिसके भी मार्क्स सबसे कम होंगे, अगर एडिशन में आपके उससे ज़्यादा मार्क्स आए हैं तो आपके मार्क्स जो है वो एडिशनल की जगह पर रिप्लेस हो जाते हैं, विच इज़ वेरी गुड थिंग, जिससे बहुत सारे बच्चों की जो परसेंटेज है ना वो बहुत ही अलग हो जाती है, बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर बता दूंगी, जैसे आधे बच्चे जो है वो अभी भी कन्फ्यूज होंगे कि मैम अपने क्या हो रहा है, ये हमारे दिमाग के ना ऊपर से निकल गया, तो आपने क्या चीज़ समझाई, मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ। जैसे देखो आप बोर्ड का एग्जाम लेकर आए, आपके हिंदी में मार्क्स आए 80 में से मार्क्स होते हैं, ठीक है, 80 में से आपके मार्क्स जो है वो बने 70, हाँ 60 कर लो ताकि आप लोगों को इजी कैलकुलेशन हो, फिर उसके बाद इसमें भी 60 बने, ठीक है, 80 में से मैथ्स में भी आपके 60 बने, ठीक है, उसके बाद में और क्या था, साइंस के अंदर आप जो हाँ थोड़े से वीक हो तो आपके यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 30 मार्क्स बने, ठीक है, 80 में से, और उसके बाद में SST है, SST के अंदर भी आपके 60 मार्क्स बने, और आपके पास जो है वो या तो ड्राइंग थी या फिर आपके पास संस्कृत थी या फिर आपके पास पंजाबी थी, ठीक है, आपके पास ये जो सब्जेक्ट्स हैं ना ये एडिशनल सब्जेक्ट्स थे, तो इसमें आप लोगों के मार्क्स जो हैं वो मैं मान लेती हूँ 75 बने, ठीक है, या फिर मैं बोल देती हूँ 70 बने, चलो लो, ठीक है, 80 में से। तो अब यहाँ पर जो ग्रैंड टोटल होगा ना आप लोगों का, जो आपके DMC में ग्रैंड टोटल होता है, बच्चे बोलते हैं कि मैम मार्क्स जो है वो कैसे जुड़ते हैं, तो यहाँ पर मैं ग्रैंड टोटल में आप लोगों को बता दूँ कि डजंट मैटर आपके सबसे कम किस में आए, हिंदी में भी आ सकते हैं, इंग्लिश में भी आ सकते हैं, साइंस में, SST में, मैथ्स में, किसी में भी आए हों, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जिसमें भी आपके कम मार्क्स होंगे ना वो आपके एडिशनल से रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है, मतलब कि आपको ये रट लेना है कि एडिशनल छोड़ो, एडिशनल से लेना देना नहीं है, आपके मार्क्स जिसके अंदर सबसे कम है वो अगर
एडिशनल में आप अच्छा स्कोर कर जाते हो तो आपके मार्क्स एडिशनल से कंप्लीट होके फिर वो वाले मार्क्स आपके जुड़ जाते हैं। जैसे कि जब आपका टोटल होगा ना तो आपके सबसे कम मार्क्स जैसे साइंस में है कि मैम साइंस में हम अच्छा स्कोर नहीं कर पाए और इसमें हम लोगों के मार्क्स वो कम आए, बट आपके जो संस्कृत पंजाबी या फिर ये थी इसमें आपको 70 मार्क्स मिले, तो आपके जो ये वाले मार्क्स हैं ये कट हो जाते हैं और ये वाले मार्क्स आपके जुड़ जाते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट आपको सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स से ही परसेंटेज कैलकुलेट करनी होती है, 6 सब्जेक्ट्स से परसेंटेज कैलकुलेट नहीं होती, क्योंकि ये 80-80 मार्क्स होते हैं, फिर उसके बाद 20-20 जो है वो असेसमेंट लगती है, आप लोगों को पता ही होगा है ना, 20-20 की असेसमेंट लगती है और जिसमें आप लोगों को 17-18-16 अपनी अपनी मर्जी से मार्क्स दिए जाते हैं जो कि टीचर देते हैं। तो यहाँ पर टोटल जो है वो आपको 100 में से यहाँ मतलब 100 हो जाते हैं ये, और यहाँ पर जो टोटल होता है ना परसेंटेज निकालने वाला आपको 500 होता है, आपको 500 में से स्कोरिंग कर सकती है। तो आपको कौन कौन से मार्क्स जुड़ेंगे, ये वाले 6, 6, 6, 6, 6, 4, 24, 6, 4, 24, 6, 5, 30 and plus 30, 3, 10, ठीक है। तो ये आपके जो मार्क्स हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद आप लोगों के जो ये वाले मार्क्स हैं ना ये नहीं जुड़ेंगे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपके ये वाले मार्क्स जुड़ गए ये वाले मार्क्स छोड़ देते हैं, मतलब कोई भी 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स आपके जुड़े जाते हैं जब उसके बाद आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होती है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देती हूँ कि परसेंटेज कैलकुलेट करनी कैसे, जो कि सबसे ज़्यादा आपको कन्फ्यूज होते हो। जैसे कि आपकी ये DMC मतलब कि इतनी चीज़ तो आपको समझ आ गई कि मैम 5 सब्जेक्ट के मार्क्स जो है वो हमारे जुड़ेंगे और कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किसमें स्कोर कर रहे हैं, बस 5 सब्जेक्ट जो भी आपके हायर मार्क्स होंगे ना वो आपके जुड़ेंगे। अब परसेंटेज आपको कैसे कैलकुलेट करनी है, मान लो आपके 500 में से कितने मार्क्स बने, 350 मार्क्स बने, तो मैम परसेंटेज कैसे निकाली कितने परसेंट हमारे बने, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जितने आपके मार्क्स आपके फुल मार्क्स मतलब जो आपने अटेंड किए वो ऊपर, ठीक है, अब और में जितने में से किए 500 वो नीचे इन टू में 100, देन आपको इसकी कटिंग कर देनी है। ओके, और इसके अलावा मैं अब कुछ महान हस्तियाँ भी होंगी कि मैम ये तो बहुत मुश्किल है, हमसे कटिंग वटिंग तो नहीं होती है, अब इसको कुछ आसान तरीका बताओ, तो इसमें आपको सिंपल ये करना है, जितने आपके मार्क्स आ रखे होंगे उसको आपको 5 से डिवाइड कर देना है। अब ये तो तुम कर सकते हो ना, अगर 10th के बच्चों को ये भी नहीं कर रहे हो ना तो फिर मेरे से मार खाओगे तुम लोग, तो 5 की टेबल को आपको 350 से डिवाइड कर देना है, देन आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 5 7 35 0, एंड ये 0 जो है वो यहाँ आ जाएगी, तो मतलब कि आपने कितने परसेंट मार्क्स किए, आपने 70% मार्क्स जो है वो 10th में स्कोर किए। इस तरीके से कुछ परफॉर्मर रहता है जो आपको ध्यान रखना होता है, और इसको थोड़ा आप लोगों को करने की ज़रूरत है, जो कि एग्जाम टाइम पे आपको कंफ्यूज हो गए फिर मुझे कमेंट करो कि मैम इतने मार्क्स आए हमें नहीं पता लग रहा कैसे करना है क्या करना है, तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी, इसको अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना ताकि वो लोग भी ये चीज़ समझ पाएँ, क्योंकि एग्जाम टाइम पर फिर आप लोग बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं ना कि जब रिजल्ट का टाइम होता है तो खिचड़ी पका रखी होती है आप लोगों ने, तो इसको अच्छे से समझना। ओके, आई होप वीडियो हेल्पफुल रहेगी, और फिर भी कोई डाउट रह जाए कुछ ना समझ आए कमेंट कीजिए, टेलीग्राम इंस्टाग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से जाके आप फॉलो कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो वो मुझसे शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट ऐसे ही कोई अच्छा सा टॉपिक जो बच्चों को ज़्यादा तंग करता है उसके साथ मैं आपके साथ मिलूंगी, और आपके पास कोई टॉपिक हो तो आप भी कमेंट में मुझे बताइएगा। ठीक है, न्यू वीडियो के साथ मिलते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।